ये प्रशस्ति पत्र पूर्व में हमारे द्वारा निर्गत किया गया था। इसका आपको जो बेगूसराय वाला जो गोलीकांड था उसमें जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्थानीय थाना एवं RPF और जो GRP के कारण आपने देखा हो कि पूरे बिहार का जो पुलिस का जो सर था वो एकदम स्थानीय थाना है और जो हमारे जो बिहार पुलिस से रिलेटेड जो लोग हैं उनको हमने आपको पुरस्कृत करने का प्रशंसा कर। नमस्कार, आप नेशन न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। इस वक्त हम झाझा थाना में खड़े हैं और आपको बता दें कि जम्मू SP डॉक्टर शौर्य सुमन आज जो झाझा थाना इंस्पेक्शन के लिए आ पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि बेगूसराय सीरियल किलिंग मामले में एक आरोपी जो था, एक अभियुक्त था, झाझा रेलवे स्टेशन के रास्ते बीते कुछ दिनों पूर्व जा रहा था, जिसे रेलवे GRP RPF और स्थानीय झाझा पुलिस की मदद से SP शौर्य सुमन के निर्देश पर गिरफ्तार भी किया गया था। आज उन तमाम पदाधिकारियों को RPF इंस्पेक्टर निधि दीक्षित, GRP थाना अध्यक्ष अनिल कुमार, हालांकि झाझा थाना अध्यक्ष को पहले ही प्रशस्ति पत्र देकर SP के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है इस कार्य के लिए, लेकिन अन्य दो अधिकारी जो रेलवे पुलिस के बच गए थे, उन दोनों अधिकारियों और उनके तमाम अधीनस्थ जो जवान थे, उन तमाम जवानों को आज प्रशस्ति पत्र देकर डॉक्टर शौर्य सुमन ने सम्मानित किया है। वहीं उन्होंने कहा कि कई तरह की आवश्यक दिशा निर्देश है जो थाना अध्यक्ष को इस वक्त देना है और कई तरह की बातें हम सभी के सामने उन्होंने साझा की है। क्या कुछ कह रहे हैं जम्मू SP डॉक्टर शौर्य सुमन, पहले आप वो सुने। देखिए, झाझा थाने का इंस्पेक्शन काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। इसका जो शेड्यूल था उसमें पूर्व महीने में ही करना था। इसी संबंध में हमने एक वीक पहले करीबन SHO को निर्देश दिया था कि हम वहाँ पर इंस्पेक्शन करने आएंगे। तो इसी संबंध में आज यहाँ पर आए हैं और देख रहे हैं कि थाना का रखरखाव से लेकर जो अभिलेख का पुनर्धारण है और जो क्राइम का इनका फिगर है और बाकी अन्य जो भी आपको विशेष करके अवैध खनन और शराब से रिलेटेड जो इशूज़ हैं उन सभी के संबंध में दिशा निर्देश दे रहे हैं। ये प्रशस्ति पत्र तमाम जवानों को दिया गया है सर? देखिए, ये प्रशस्ति पत्र पूर्व में हमारे द्वारा निर्गत किया गया था। इसका आपको जो बेगूसराय वाला जो गोलीकांड था उसमें जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्थानीय थाना एवं RPF और जो GRP का कोऑर्डिनेशन था, जिस कारण आपने देखा हो कि पूरे बिहार का जो पुलिस का जो सर था वो एकदम पकड़ से ऊँचा हुआ था, इस तरह का बेहतरीन काम लोगों ने किया। इसी संबंध में हमारे द्वारा यह प्रयास किया गया है कि इनको एक प्रशस्ति पत्र से इनका जो मेरिटोरियस काम है उसको नवाजा जाए। कुछ इनाम राशि भी मिलेगी क्या इन लोगों को? देखिए, हमने ऊपर DGP सर के संबंध में भी आपको पत्राचार किया कि उनके स्तर से भी इनको दिया जाए और जो स्थानीय थाना है और जो हमारे जो बिहार पुलिस से रिलेटेड जो लोग हैं उनको हमने आपको पुरस्कृत करने का अनुशंसा कर दिया। और कुछ सर विशेष को दिशा निर्देश झाझा थाना को? अभी देखते हैं, एक बार इनका इंस्पेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जैसा रहेगा तो आप सुबह।